हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी रणजीत क्लासेस में। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारी एक तो एमसीक्यू सीरीज चल रही है और दूसरी हमारी जो थ्योरी की क्लासेस हैं वो चल रही हैं। रेगुलरली आपको मिल रही होंगी वीडियोस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आप यदि किसी भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये जो वीडियोज़ हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। चाहे एमसीक्यू सीरीज़ की बात कर लें, चाहे थ्योरी की बात कर लें, थ्योरीज की क्लासेज जो है वो शॉर्ट के अंदर आपको मिल रही हैं, साथ के साथ टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, जिससे आपका जो कंप्लीट पैकेज है वो बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा है और उसमें अपन बहुत सारी ग्लैंड्स की बात कर चुके हैं। आगे की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आती है पेनक्रियाटिक आइसलेट्स। ठीक है, यानी कि पेनक्रियाज के अंदर जो आइसलेट्स पाए जाते हैं उनसे कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, या फिर हम बात करें पेनक्रियाज की जो एक ग्लैंड होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेनक्रियाज इज अ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है कि जिनके पास डक्ट नहीं पाई जाती वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर अपना सिक्रेशन सिक्रेट कर देती हैं, उन्हें अपन एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर अपना सॉरी इनके पास क्या होती है, डक्ट्स होती हैं जिनके द्वारा ये पर्टिकुलर ऑर्गन तक अपना जो सिक्रेशन है वो पहुँचाती हैं और अपना काम करवाती हैं। ठीक है, हम पेनक्रियाज की बात करें तो इसके पास जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम भी पाया जाता है, यानी कि इसके जो सिक्रेशंस होते हैं हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स की बात करें अपन तो वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर भी डाल दिए जाते हैं और दूसरे तरीके से इनके पास ड्रग्स भी पाई जाती हैं जो कि पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करती है। तो ये मिक्स प्रकार की ग्लैंड्स होती है। आगे बात करते हैं। देखिए, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज इज परफॉर्म बाय द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस या फिर पेनक्रियाटिक आइसलेट्स। यानी कि जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है पेनक्रियाज का, ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो लैंगरहेंस की आइसलेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे आइसलेट जैसे यानी कि छोटी छोटी पुटिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें अपन लैंगरहेंस के आइसलेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंगरहेंस ने क्या किया था, इनकी खोज की थी और अपने नाम पर इनको क्या दे दिया, लैंगरहेंस के आइसलेट नाम दे दिया। इनको ही क्या कहा जाता है, पेनक्रियाटिक आइसलेट्स भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए, पेनक्रियाटिक जो आइसलेट्स होती हैं कंटेन मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सेल। इनके अंदर बेसिकली तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली होती हैं अल्फा या फिर ए सेल्स जो कि लगभग 15% इनका पोषण बनाती हैं। दूसरी होती हैं बीटा या फिर बी सेल्स जो कि 80% पोषण बनाती हैं। तीसरी होती हैं डेल्टा या फिर डी सेल्स जो कि 5% पोषण बनाती हैं। तीनों प्रकार की कोशिकाएं मिलकर पेनक्रियाटिक आइसलेट्स बनाती हैं और तीनों प्रकार की कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के सिक्रेशन निकलते हैं। जैसे अपन अल्फा की बात कर लें तो इनसे निकलता है कौन सा, ग्लूकागोन। ठीक है, जो डेल्टा होती हैं उनसे निकलता है कौन सा, सोमेटोस्टेटिन। और जो बीटा होती हैं उनसे कौन सा निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन यहीं से बनता है। सबसे पहले अपन बीटा सेल के सिक्रेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि अपन किसकी बात कर लेते हैं, इंसुलिन की बात कर लेते हैं। देखिए, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इंक्रीज व्हेन ब्लड ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड लेवल्स आर हाई इन ब्लड। यानी कि होता क्या है, देखिए इंसुलिन का सिक्रेशन है तो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज या फिर अमीनो एसिड का लेवल हाई हो जाएगा तो तुरंत इंसुलिन का इंक्रीज जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद ये क्या करेगा, उस लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। यदि हम इंसुलिन के मेन फंक्शन की बात करें तो ये करता क्या है, डिक्रीज करता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को। किस तरीके से करता है वो भी देख लीजिए, कौन से इसके पास वेज हैं। सबसे पहले क्या करता है, इंक्रीज अप टेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाई बॉडी सेल्स। यानी कि ये कैसे करेगा, मान के चलिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये क्या करेगा, जो बॉडी की सेल्स होती हैं उनके जो यूटिलाइजेशन है या फिर जो ग्लूकोज जो वो ले रही हैं उसकी क्वांटिटी को क्या बढ़ा देगा, क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से उसकी जो उपयोगिता है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, जिससे अपन ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। स्पेसिफिकली कहाँ होता है, लीवर के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर। दूसरी चीज़ ये क्या करेगा कि जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर आ गया उसको तुरंत से तुरंत ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देगा और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। ये चीज़ कहाँ पे परफॉर्म होती है, तो स्पेसिफिकली लीवर के अंदर होती है। दूसरी जो इस पार्ट है वो कौन सा, स्केलेटल मसल्स के अंदर ये प्रोसेस चलती है। जो बॉडी है हमारी वो लगभग 500 ग्राम ग्लाइकोजन को स्टोर करके रख सकती है, जिसमें यदि हम बात करें 75% तो रहता है स्केलेटल मसल्स के अंदर, 25% होता है लीवर सेल्स के अंदर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा ये और क्या काम करेगा, वो चीज़ देखिए, इंक्रीज प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस, जैसे अपन लिपोजेनेसिस करते हैं। ये क्या करेगा, प्रोटीन और फैट के सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा, जिसे अपन लिपोजेनेसिस कहते हैं। कैसे, अमीनो एसिड फ्रॉम अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमको पता है प्रोटीन के जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो फैट के जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, अमीनो एसिड की यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ये क्या करेगा, फैटी एसिड यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा जिससे फैट सिंथेसिस होना बढ़ जाएगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे अपन क्या कहते हैं, लिपोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि ये बेसिकली तीन काम कर रहा है। सबसे पहले ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर रहा है, जिसे ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं सॉरी। दूसरे नंबर पर क्या कर रहा है, प्रोटीन के जो फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज कर रहा है। तीसरा ये फैट के सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा है, जिसे अपन लिपोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, तीनों काम को इंक्रीज करता है और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज आया है उसका यूटिलाइजेशन भी ये बढ़ा देता है। आगे ये क्या करता है, देखिए, डिक्रीज प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है किसके द्वारा, अमीनो एसिड्स के द्वारा, फैट्स के द्वारा, या फिर कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के द्वारा यदि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि ग्लूकोज से शब्द आया ग्लूकोज, जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, नियो यानी कि कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के कोई अदर नया सब्सटेंस आ जाए जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाए, जिसे अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की सॉरी जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज करने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा, यदि ये इस प्रोसेस को भी आगे बढ़ा देगा या इसको भी इंक्रीज कर देगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज लेवल के अंदर बढ़ जाएगा। इसको क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है। आगे बात करते हैं और क्या करता है। देखिए एनी हार्मोन दैट अपोजेज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन कॉल्ड काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, यानी कि जो भी ऐसा हार्मोन है जो कि इस इंसुलिन के इफेक्ट को उल्टा काम करता है उसे अपन क्या कहते हैं, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। एग्जाम्पल की बात करें तो वो हार्मोन कौन सा है, जैसे ग्लूकागोन है, एपिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, कॉर्टिसोल है और ग्रोथ हार्मोन है, ये सारे के सारे इंसुलिन के हमेशा अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा काम करता है सिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स इंक्रीज ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड स्ट्रेसफुल टाइम, यानी कि इन हार्मोन का सिक्रेशन कब बढ़ता है, जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है कि जब ग्लाइकोजन की या फिर ग्लूकोज की जो कमी है वो कम आ जाए बॉडी के अंदर, या फिर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए एंड कॉज इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये क्या करते हैं ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर जो हार्मोन आता है जो कि अल्फा सेल्स के द्वारा या फिर ए सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है वो कौन सा होता है, ग्लूकागोन होता है। तो ग्लूकागोन जो है ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है इसके अंदर लेवल के अंदर सॉरी ब्लड के अंदर, किस तरीके से, कन्वर्जन ऑफ स्टोर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, जिस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कहते हैं, यानी कि जो इंसुलिन ने क्या किया था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, अब उस ग्लाइकोजन को ही किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये काम कौन करेगा, ग्लूकागोन नाम का हार्मोन करेगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, शब्द आ रहा है इसके अंदर ग्लाइकोजिनो यानी कि ग्लाइकोजन शब्द हमें यहाँ से तोड़ना है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, और दूसरी क्या प्रोसेस होती है, तो इंक्रीज प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये क्या करता है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस है इंक्रीज करने का काम कर देता है। तीसरे नंबर पर जो हार्मोन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन आ रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड सॉरी इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई हाइपोथैलेमस एंड स्टमक, यानी कि ये भी ऐसा हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा और स्टमक के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इट्स इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ये क्या करता है इंसुलिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। और ग्लूकागोन के सिक्रेशन को कम करने का काम करता है पेनक्रिया से, ग्रोथ हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी से, और गैस्ट्रिन को स्टमक से इनहिबिट करने का ये काम करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स होते हैं उनकी बात कर ली, और पेनक्रियाज के अंदर से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी को मैनेज करने का काम करते हैं, बैलेंस बना के रखने का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अगली जो ग्लैंड्स आ रही है हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, छोटी ग्लैंड है लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। देखिए पीनियल ग्लैंड या फिर जैसे अपन क्या कहते हैं एपिफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, तो सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, सिचुएटेड अंडर द ब्रेन एंड अबव द हाइपोथैलेमस बिहाइंड थर्ड वेंट्रिकल, यानी कि हमारे जो थर्ड वेंट्रिकल होता है हाइपोथैलेमस के ऊपर और ब्रेन के नीचे ये सिचुएटेड होती है छोटी सी। इसकी वेट की बात करें तो आप देखिए लगभग इसका जो वेट होता है 0.1 से लेंगे 0.2 ग्राम होता है, और लेंथ लगभग 1 सेंटीमीटर की इसकी होती है, तो बिल्कुल चने के आकार की होती है। आगे बात करते हैं, एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसका नाम क्या है मेलेटोनिन, जो कि प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा। ये क्या काम करता है वो देखिए, इट इन्फ्लुएंसेस स्लीप वेक साइकिल्स, यानी कि हमारी जो उठने जगने और सोने की साइकिल है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करती है, काम करता है कौन सा, मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, एंड अदर सर्केडियंस रिदम, और जो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सर्केडियन रिदम्स चलती है उन सबको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। ये क्या काम करता है, इट ऑल्सो प्रमोट स्लीपीनेस एंड इनहिबिट्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन टिल प्यूबर्टी, यानी कि ये क्या काम करता है, देखिए तो ये हमारी जो स्लीपीनेस होती है यानी कि नींद आने का ये जो प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करने का काम करता है, और जो जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाए जब तक रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, ग्लैंड्स बिकम एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने के बाद ये जो ग्लैंड्स है वो किस फेज में चली जाती है, एट्रोफी के फेज में चली जाती है। अगली जो ग्लैंड्स आने वाली है हमारे सामने वो कौन सी है, थाइमस ग्लैंड्स है। ठीक है, देखिए ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जो कि लोकेटेड होता है कहाँ पर, मेडियस्टिनल कैविटी के एंटीरियर और हार्ट के ऊपर की तरफ, यानी कि बिल्कुल चेस्ट के मिडिल वाले पोर्शन में सिचुएटेड होती है। इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो ये कंपोज होती है दो फ्यूज लोब से, जिनके अंदर हर एक लोब के अंदर मल्टीपल लोब्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, लोब्यूल्स आगे भी डिवाइडेड रहते हैं किसके अंदर, लोब्यूल्स आगे डिवाइडेड रहते हैं आउटर कॉर्टेक्स के अंदर और इनर मेडुला के अंदर। ठीक है,
थाइमस इज द प्राइमरी साइट फॉर टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन, यानी कि थाइमस ऐसी ग्लैंड है जो कि टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन के लिए प्राइमरी साइट होती है, यानी कि उनके मैच्योरेशन के लिए प्राइमरी साइट होती है, यानी कि यहीं पे जो टी लिम्फोसाइट होती है वो मैच्योर होती है, इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया है, टी लिम्फोसाइट रखा गया है। आगे बात करते हैं, देखिए टू हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाई थाइमस आर थाइमोसिन और थाइमिन, यानी कि दो हॉर्मोन ऐसे हैं जो कि थाइमस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होते हैं, पहला होता है थाइमोसिन और दूसरा होता है कौन सा, थाइमिन, जिसे अपन थाइमोपोएटिन भी कह देते हैं। जो थाइमोसिन हार्मोन क्या काम करता है, प्रमोट द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि चलो ये तो हमें पता है कि थाइमस ग्लैंड्स के अंदर टी लिम्फोसाइट मैच्योर होती हैं, लेकिन हमें ये बताइए कौन सा ऐसा हार्मोन है, तो वहाँ दोनों ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे, थाइमोसिन भी देखने को मिलेगा और थाइमिन भी देखने को मिलेगा, तो आपको राइट आंसर कौन सा लगाना है, थाइमोसिन हार्मोन लगाना है। ठीक है, चलिए थाइमिन क्या करता है, जिसे अपन थाइमोपोएटिन भी कहते हैं, ये इनहिबिट करता है एसिटोकोलिन रिलीज को, जो कि मिस्थीनिया ग्रेविस डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, रिमूवल ऑफ द थाइमस इज एन एडल्ट डज नॉट कॉज द डिक्रीज इन इम्यून फंक्शन, यानी कि यदि हम एडल्ट के अंदर थाइमस को रिमूव कर देते हैं तो ये इम्यून फंक्शन को कभी भी डिक्रीज करने का काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो थाइमस ग्लैंड्स होती है ये बचपन में बहुत एक्टिव होती है, बहुत साइज के अंदर बड़ी भी होती है, लेकिन जैसे जैसे एडल्टहुड की तरफ अपन बढ़ते हैं तो इसकी साइज कम होती जाती है, इसका फंक्शन जो है कम होता जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, हर्ट की बात कर लेते हैं अपन, अगला जो अपना ऑर्गन आने वाला है वो हर्ट है। हर्ट के अंदर क्या होता है, देखिए मस्कुलेचर ऑफ अल्ट्रिया ऑफ हर्ट सीक्रेट एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टाइड, जिसे अपन क्या कहते हैं, ANP कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उस टाइम पे। इट लोअर्स ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर थ्रू यूरिन एंड ऑल्सो बाई वैसोडाइलेशन। अब देखिए होता क्या है, जो एट्रिया है वो जो एट्रिया की मस्कुलेचर्स हैं वो क्या करते हैं, एक सिक्रेट करते हैं किसको, नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, जिसे ANP कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये क्या करता है, जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उसको कम करने का काम करता है, कौन सी फंक्शन को परफॉर्म करके, तो सोडियम का एक्सक्रीशन कर देगा, वाटर का एक्सक्रीशन कर देगा हमारे यूरिन के थ्रू, और वैसोडाइलेशन को क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा, जिससे जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो क्या आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। तो आप देखिए जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है उस टाइम पे हर्ट भी अपना काम कर रहा होता है कि वो अपने लेवल पे ही क्या करे, उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को मैनेज करने का काम करे, जब नहीं हो पाता है तब हमें जो मेडिसिन वगैरह हैं वो लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए हाइपर थायरॉयडिज्म या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, अब अपन कुछ डिजीज की यहाँ पे बात बात करते हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पर आ रही है हमारे सामने कौन सी, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे अपन थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है, तो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन, यानी कि मान के चलिए जो थायरॉयड हार्मोन है उनका जो सिक्रेशन है वो एक्सेसिव हार्मोन हो गया। थायरॉयड हार्मोन कौन से आते हैं, T3 आता है और T4 आता है, जो कि कॉज करते हैं, विच कॉज इंक्रीज रेट ऑफ बॉडी मेटाबोलिज्म, ये क्या करते हैं, बॉडी मेटाबोलिज्म के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। अब अपन इटियोलॉजी की बात करते हैं इसकी, तो मैलिग्नेंसी ऑफ थायरॉयड ग्लैंड होता है, TSH प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। पहली जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, ग्रेव्स की डिजीज होती है, जिसे अपन डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरथायरॉयडिज्म का, ये हाइपरथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन जो हम बात कर रहे हैं क्या है, कॉज है हाइपरथायरॉयडिज्म का कौन सा, ग्रेव्स डिजीज। आगे बात करते हैं, ये अकर होता है ड्यू टू अबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन TSI अपन जिसे कहते हैं, यदि TSI का जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। TSI होता क्या है, तो TSI इज अलाइक द TSH थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो स्टिमुलेट इनलार्जमेंट ऑफ थाइमस ग्लैंड्स एंड कॉज डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। ये होता क्या है, तो बिल्कुल TSH की तरह होता है, तो ये जो थायरॉयड की लेंथ होती है उसके अंदर साइज इंक्रीज हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है, जिससे कि ये डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर का कारण बनता है। यदि हम इसके साइन ऑफ सिम्टम्स की बात कर लें थायरोटॉक्सिकोसिस की, तो देखिए गोइटर है, एक्सोम थैलोम्स है, एक्सोम थैलोम का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्टोसिस प्रोडिटिंग आई वोल्ट ड्यू टू एडिमा बिहाइंड द आई, यानी कि होता क्या है, तो जो प्रोटोप्टोसिस है और दूसरा क्या होता है, प्रोडोडोंडिंग आई वोल्ट, यानी कि जो आंखों की जो हमारी आई वोल है वो बाहर निकल के आ जाती है, क्यों, क्योंकि उसके पीछे क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, एडिमा आ जाती है, जिस वजह से आदमी बहुत ज्यादा डरावना लगता है और उसकी आंखें बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। इट ओनली इन ग्रेव्स डिजीज, ये कहाँ होता है, केवल केवल ग्रेव्स डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। अगली कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं, तो देखिए हाइपरटेंशन होगा, कार्डियक डिसरिथमियाज होगा जिसमें टैकीकार्डिया आता है, एट्रियल फाइब्रिलेशन होता है और पैल्पिटेशंस होता है। इसके अलावा बात करें तो हीट इंटॉलरेंस, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगा, जैसे अपन हाइपरफाइजिया कहते हैं, डायाफोरेसिस हो सकता है, स्मूथ और सॉफ्ट स्किन हो सकती है, हेयर्स हो सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज BMR, ये किसकी वजह से होगा, BMR के इंक्रीजमेंट की वजह से। आगे बात करते हैं, देखिए अगली जो है वो क्या हो सकता है, तो डायरिया हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस की वजह से क्या हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। तीसरी जो चीज़ आने वाली है कौन सा फंक्शन है वो देखिए, नर्वसनेस हो सकती है, ट्रीमर्स इन हैंड्स हो सकता है, एग्रिटेशन हो सकता है, यानी कि रेस्टलेसनेस और एंजाइटी हो सकती है, और मूड स्विंग समय देखने को मिलेंगे। ये साइन ऑफ सिम्टम्स हैं इसके थायरोटॉक्सिकोसिस के। आगे बात करते हैं, ये
आगे बात करते हैं अपन इसके डायग्नोसिस के बारे में कि इसकी डायग्नोसिस किस प्रकार से होती है। ठीक है, डायग्नोसिस की तरफ अपन चलते हैं। देखिए, इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 एंड डिक्रीज लेवल ऑफ TSH इन ब्लड, यानी कि होता क्या है, तो यदि T3 और T4 के लेवल बढ़ रहे हैं और TSH का लेवल कम हो रहा है तो अपन इसे क्या कह सकते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म कह सकते हैं। नॉर्मल लेवल T4 का होता है 5 से 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, T3 का होता है 110 से लेकर 337 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, और TSH का होता है 2 से 10 मिली MLU पर डेसीलीटर, मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, अब यदि हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है, वो चीज़ देखें। प्रोवाइड एडुकेट रेस्ट और डिक्रीज BMR, यानी कि अपन उसको क्या करेंगे, एडुकेट रेस्ट उसको मिलना चाहिए जिससे उसके BMR क्या हो, कम हो। प्रोवाइड कूल नॉन स्टिमुलेटिंग और क्वाइट एनवायरमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे, हाई कैलोरी डाइट अपन उसको प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर प्रोपैरानोलोल फॉर पेल्पिटेशन और एनजाइटी के लिए एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्टर एंटी थायरॉयड मेडिसिन सच एज मेथिमाजोल और प्रोफिल थायोयूरेसिल जिसे PTU कहते हैं, इट ब्लॉक सिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन, ये क्या करेंगे, थायरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस को ब्लॉक करने का काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी थायरॉयड हार्मोन की मात्रा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको ब्लॉक करना जरूरी है। एडमिनिस्टर रेडियो एक्टिव आयोडीन जिसे अपन 131 आयोडीन कहते हैं, टू डिस्ट्रॉय थायरॉयड ग्लैंड सेल्स इनटू टॉक्सिक गॉइटर, यानी कि अपन क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन को देना स्टार्ट करेंगे जिसकी वजह से जो थायरॉयड के अंदर ग्लैंड सेल्स हैं जो टॉक्सिक गॉइटर को कॉज कर रही है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, एंड थायरॉयड सार्सिनोमा को वो करेगा, आगे बढ़ाएगा। आगे बात करते हैं अपन इसकी सर्जरी करनी पड़े यदि थायरॉयडेक्टोमी करनी पड़े तो उसका प्रोस्पेक्टिव केयर क्या होना चाहिए, तो थायरॉयडेक्टोमी यानी कि एक्सक्रीजन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स, यानी थायरॉयड ग्लैंड्स को निकाल के बाहर कर दिया जाता है, यूज्ड मेनली टू ट्रीट द थायरॉयड कैंसर गोइटर और ग्रेव्स डिजीज, यानी कि तीन कंडीशन के अंदर ही अपन क्या करेंगे, थायरॉयडेक्टोमी करेंगे यानी कि रिमूवल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स करेंगे। कौन सी, पहली है थायरॉयड का कैंसर यदि हो गया है, दूसरा हो सकता है गोइटर यदि हुआ है, और तीसरा कौन सा, ग्रेव्स की डिजीज हो गई है। तो अगला बात करते हैं मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड कीप अ ट्रेकोस्टोमी सेट ऑक्सीजन एंड सक्शन एट द बेड टाइम। आगे बात करें तो देखिए मॉनिटर द क्लाइंट फॉर एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्फोनिया, हाई पिचड वॉइस, स्टीडोर और डिस्फेजिया, विच आर इंडिकेटर ऑफ लेरेंजियल नर्व डिजीज, ये हमें ये शो करेगा कि नर्व जो लेरेंजियल नर्व डैमेज है वो भी हो गई है। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ हाइपोकैल्शियम एंड टेटेनी कॉज्ड बाय ट्रॉमा ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ थायरॉइड ग्लैंड्स। अब क्या होता है यहाँ पे कि अपन हाइपोकैल्शियम और टेटेनी के भी कुछ साइन हमें मॉनिटर करने होंगे जो किसकी वजह से कॉज हुए हैं, क्योंकि पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है उसको क्या हुआ है, ट्रॉमा हुआ है जब अपन किसकी सर्जरी कर रहे थे, थायरॉइड ग्लैंड की सर्जरी कर रहे थे। मेंटेन सेमी फाउलर पोजीशन विदाउट फ्लेक्सेशन ऑफ नेक सर्जरी। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देखिए एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट टू प्रिवेंट टेटेनी, अपन क्या करेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट को देंगे उसके लिए एडमिनिस्टर करेंगे जिससे कि टिटैनी रोग ना हो जाए। अब यदि हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेंगे, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो वो चीज़ देखिए थायरॉयड स्ट्रोम हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज एन एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इट इज इन एन अनकंट्रोलेबल ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, कॉज ऑफ थायरॉयड स्ट्रोम आर मैनिपुलेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स ड्यूरिंग सर्जरी इन्फेक्टिंग एंड स्ट्रेस। तो ये हमने कौन से डिजीज की बात कर ली, सबसे पहले हाइपरथायरॉयडिज्म की बात कर ली, दूसरे नंबर पे जो डिजीज आने वाली है वो कौन सी है, हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर जिसे अपन क्या कहते हैं, मिक्सिडिमा भी कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है कि थायरॉयड हार्मोन एक सफिशियंट अमाउंट के अंदर नहीं निकल रहा है, यानी कि हम बात करें तो जो थायरॉयड हार्मोन है उसकी कमी हो रही है बॉडी के अंदर। देखिए डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉयड हार्मोन है कि थायरॉयड हार्मोन की कमी होना, थायरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं, T3 और T4 होते हैं, जो कि बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करने का काम करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्डहुड ड्यू टू कॉन्जेनिटल एब्सेंस और एट्रोफी ऑफ ग्लैंड कॉज स्टन मेंटल और फिजिकल ग्रोथ कॉल्ड क्रिएटिनिज्म या फिर कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म यदि हमें चाइल्डहुड के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि क्या दिख रहा है, एट्रोफी ऑफ ग्लैंड्स की वजह से हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, क्रिएटिनिज्म कहते हैं या फिर कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। वहीं यदि हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है एडल्टहुड के अंदर तो इसे अपन क्या कहते हैं, मिक्सिडीमिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा यदि बचपन में हो रहा है तो इसे अपन क्रिएटिनिज्म कहेंगे, और यदि एडल्टहुड के अंदर होता है तो अपन क्या कहेंगे, मिक्सिडीमिया कहेंगे, जो कि फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा चांस होने के बहुत ज्यादा होने के चांसेस भी होते हैं, 5 times मोर होता है कहाँ पे, फीमेल्स के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए इटियोलॉजी क्या हो सकती है, बेस्ड ऑन इटियोलॉजी क्या होता है, देखिए प्राइमर पहला होता है कौन से नंबर का, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके कॉजेस होते हैं कौन से, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स जिसे अपन क्या कहते हैं, क्रिएटिनिज्म कहते हैं। दूसरा आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी कॉज सिंपल गॉइटर, यानी कि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म को कॉज करेगी जिसकी वजह से क्या होगा, सिंपल गॉइटर होगा। एक्सेसिव एंटी थायरॉयड ड्रग्स लाइक प्रोपिल थियोयूरेसिल, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि हमने एंटी थायरॉयड ड्रग्स को कंज्यूम कर लिया है तो ये कॉज बनेगा। दूसरा होता है सर्जरी और रेडिएशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स, यानी कि सर्जरी करवाई है या फिर रेडिएशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स की वजह से। अगला होता है कौन सा, हाशिमोटो थायरॉयडोडिटिस, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि कॉज करता है डिस्ट्रक्शन फाइब्रोसिस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स।
ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है, पहला हो गया प्राइमरी, दूसरे नंबर पर आता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है, कॉज बाई मेल फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उसके मेल फंक्शन की वजह से हो सकता है। तीसरे नंबर पर आता है टर्सरी और सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म, इसका मतलब क्या होता है, कॉज इफ हाइपोथैलेमस फेल टू प्रोड्यूस थायरॉयड रेजिंग हार्मोन। तीसरा होता है जो सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म है वो किसकी वजह से होता है, ये हाइपोथैलेमस है वो ही थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन है कि TRH होता है या फिर अपन TSH की बात कर रहे हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, वो उसको जो मास्टर ग्लैंड होती है उसको ही ये नहीं पता कि मुझे कौन सा हार्मोन सिक्रेट करना है, कि हाइपोथैलेमस ही वो चीज़ नहीं बना पा रहा है कि आगे जाके वो इन चीज़ों को परफॉर्म करा सके, तो उसे अपन कहते हैं सेंट्रल हाइपोथैलेमस, यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वहाँ से ही ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, वो इनको नहीं पता आगे करना क्या है, ठीक है, इस तरीके से समझिएगा। आगे बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की, किस तरीके से सॉरी सी और एम की बात करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है मिग्जीडीमा, ठीक है, तो जनरलाइज पफिनेस एंड एडिमा ऑन द स्किन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड गिविंग इट अ बैक्सी अपीरियंस, यानी कि मिग्जीडीमा का मतलब क्या होता है, तो जो स्किन है उसके ऊपर क्या होगा, सूजन सी हमें लगेगी, पफिनेस सी हमें देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉलीसेकेराइड का क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, जो कि एक बैक्सी अपीरियंस हमें देता है। उसके बाद बात करते हैं तो इनटॉलरेंस टू कोल्ड, यानी कि हाइपोथर्मिया होने के पूरे चांसेस होते हैं, यानी कि कोल्ड जो है वो सहन नहीं होती, सर्दी जो है सहन नहीं होती। वेट गेन होता है, ड्राई स्किन होती है, ड्राई हेयर हो जाते हैं, एनोरेक्सिया हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकती है, जो कि ऑल आर ड्यू टू डिक्रीज BMR, सब किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि BMR जो है वो डिक्रीज हो गई है। लॉस ऑफ हेयर हमें देखने को मिलेगा, ब्रेडीकार्डिया और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस, लॉस ऑफ मेमोरी एंड एपैथी हो सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल और फीमेल दोनों के अंदर, इररेगुलर मेंसेस हो सकते हैं वोमेन के अंदर, इंपोटेंस हो सकता है मेल के अंदर, गोइटर मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, गोइटर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इट मे कॉज CHF, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि इसको डायग्नोस किस तरह से करेंगे, तो देखिए डिक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 एंड इंक्रीज TSH लेवल, यदि अपन ने थायरॉइड की जांच कराई हो, जांच कराने के बाद पता चलता है कि जो T3 और T4 है उनके लेवल तो डिक्रीज हो रहे हैं और TSH का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इससे अपन क्या डायग्नोस कर सकेंगे। दूसरा होता है इंक्रीज लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, दूसरा हमने जब कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई, लिपिड प्रोफाइल की जांच कराई, तो वहाँ पे पता चला कि कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है और लिपिड भी साथ के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी डायग्नोसिस कर सकते हैं अपन इससे भी। तीसरा होता है डिक्रीज रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए यदि हम इसके मैनेजमेंट की बात करें, इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा, तो एडमिनिस्टर थायरॉयड हार्मोन प्रिपरेशन, थायरॉयड हार्मोन प्रिपरेशन को एडमिनिस्टर करेंगे, जिसमें कौन सा आता है, लियोथायरोक्सिन सोडियम आता है, द सोडियम सॉल्ट ऑफ द नेचुरल आइसोमर ऑफ थायरोक्सिन यूज टू ट्रीट थायरॉयड डेफिशिएंसी, ये मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है कौन सा, लियोथायरोनिन सोडियम, सोडियम सॉल्ट होता है कौन सा, ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो कि यूज़ किया जाता है किसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए। आगे बात करते हैं कुछ एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशंस में, जिसमें विद कॉशन इन MI को ध्यान में रखते हुए, हाइपरटेंशन को ध्यान में रखते हुए, डायबिटीज ना हो, रीनल फेलियर पेशेंट ना हो। आगे बात करेंगे तो एडवाइस द पेशेंट फॉर लो कैलोरी कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट डाइट, यानी कि उसको अपन ये एडवाइस करेंगे कि वो लो कैलोरी डाइट ले, लो कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट ले और सैचुरेटेड फैट ना हो उसके अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं तो प्रोवाइड हाई आयोडीन रगी यानी कि फाइबर डाइट और फ्लूड डाइट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन बचने के लिए क्या करेंगे कि हाई आयोडीन वाली डाइट उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, फाइबर वाली डाइट होनी चाहिए और फ्लूड वाली डाइट ज़्यादा उसके अंदर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, देखिए प्रोवाइड वार्म एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट कोल्ड इंटॉलरेंस, आपको पता है हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं, यानी कि जो कोल्ड इंटॉलरेंस वो देखने को मिलती है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, उसको वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे। यदि हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो सबसे पहले होता है कौन सा, मिग्जीडीमा कोमा, जो कि क्या है, इट इज़ अ रेयर बट सीरियस डिसऑर्डर कॉज बाय कंसिस्टेंटली वेरी लो प्रोडक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन कॉज कोमा, यानी कि होता क्या है, ये बहुत रेयर है लेकिन कैसा है, सीरियस डिसऑर्डर है। किसकी वजह से, क्योंकि जो थायरॉयड हार्मोन्स हैं वो रेगुलरली कैसे हो रहे हैं, कम प्रोडक्शन उनका हो रहा है, जिसकी वजह से आदमी क्या हो सकता है, कोमा के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आज की वीडियो में हमने इन चीज़ों पर बात कर ली, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डिजीज़ के बारे में, जिसमें सबसे बड़ी डिजीज़ आती है कौन सी, डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, देसी प्यार करें, माता पिता से